सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को और बेल आइकन बटन दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी दाल बाटी चूरमा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। फ्रेंड्स, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा की रेसिपी की सामग्री इस प्रकार है। ये हमारी पचमेल दाल है, जो दाल है जो खास तौर पर राजस्थान में बनाई जाती है दाल बाटी चूरमा के साथ ही। तो ये मैंने 1 घंटे पहले सारी भिगो दी है, भिगो के धो लिए, धो के इस तरह से रख दिए। ये मेरी 25 ग्राम अरहर की दाल है, ये 25 ग्राम उड़द की दाल है, ये मसूर की दाल है 25 ग्राम, ये सारी 25 25 ग्राम दाल है, 25 ग्राम मूंग की दाल है, 25 ग्राम चना की दाल है। ये मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिए, धो लिए और इस तरह से रख दिए। एक टमाटर है जो मैंने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा धनिया है ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच ये भी मैंने बारीक पीस लिया है, बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 हरी मिर्ची है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 पिंच हींग लूंगी और ये तड़का के लिए मेरा देसी घी है, 1/2 चम्मच जीरा है और स्वाद अनुसार नमक है। और ये मैंने मोटा, अच्छी दाल का फ्लेवर देने के लिए मोटा ये मैंने गरम मसाला लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा दर दर पीस लूंगी तो इसको मैं तड़का में यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स ये तो मेरे दाल का सामान हो गया, अब मेरा चूरमा का और बाटी का सामान दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैंने नमकीन बाटी और चूरमा के लिए 600 ग्राम आटा लिया है, इसी में से मैं नमकीन हलवा बाटी बनाऊंगी और इसी में से चूरमा बनाऊंगी। और 100 ग्राम मैंने सूजी ली है और ये मोमन के लिए मैंने देसी घी लिया है जो इसमें मोमन डालूंगी मैं। ये 300 ग्राम बूरा है, हमारे घर में बूरा कम खाते हैं इसलिए 300 ग्राम लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 400 ग्राम मावा है ये चूरमा के लिए, ये 7 से 8 बादाम है इनको मैं बारीक काट लूंगी, ये 7 से 8 हरी इलायची है इनको मैं बारीक कूट लूंगी छिलका छील के, और ये 20 से 25 मेरी किशमिश है, 1/2 चम्मच अजवाइन है और स्वाद के अनुसार नमक है। अब मैं ये 600 ग्राम आटे में ये 100 ग्राम सूजी मिक्स कर रही हूँ, ये मैंने मिला दिए। अब इसमें मैं मोमन मिलाऊ, इसमें बर्फ पहले इसको थोड़ा सा मिला के अब इसी में मैं ये मिला देती हूँ। तो ये मेरा इस तरह से बहुत अच्छे से मिला लूंगी इसको मैं, और मिलाने के बाद इसको मैं इसी में से नमकीन बाटी बनाऊंगी, तो इसको मैं आधा कर लूंगी, आधा नमकीन की बाटी के लिए और आधा मेरा चूरमा के लिए। अब इसको मैं आधा कर लेती हूँ इस तरह से, इसकी मैं बाटी बनाऊंगी और इसका मैं चूरमा बनाऊंगी, तो इसको मैं निकाल लूंगी। फ्रेंड्स मैंने अभी ये आटा आधा आधा कर लिया है, आधा क्या है कि मतलब 400 ग्राम का आटा इसमें चूरमा बनाने के लिए रखा है और 300 ग्राम बाटी बनाने के लिए रखा है। ये 400 ग्राम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने 400 ग्राम मेरे पास मावा है इसलिए मैंने उसके बराबर ही आटा रखा है। तो अब मैं इसका डो बना लेती हूँ, और इसको मैंने रखा है इसमें नमकीन बाटी बनाऊंगी मैं, तो इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून अजवाइन डाल देती हूँ और ये स्वाद अनुसार नमक, तो इसका भी डो बना लूंगी, दोनों चीज दोनों का डो बनाऊंगी, इसका भी डो बना लूंगी, इसका भी डो बना लूंगी। फ्रेंड्स अब ये मेरा आटा बिल्कुल कड़ा आटा गुन चुका है, मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूँ तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये मैं 15 मिनट के लिए इसमें रख देती हूँ और ढक दूंगी। अब ये मेरा नमकीन बाटियों का आटा है, अब इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ, जिस तरह से मैंने चूरमा का आटा गूंदा उसी तरह से मैं ये नमकीन बाटी का आटा भी गूंद लेती हूँ, और इसको भी 15 मिनट के लिए उसी में ढक के रख देती हूँ, ये मैं ढक के रख देती हूँ। फ्रेंड्स जब तक मेरा आटा सॉफ्ट होता है तब तक मैं दाल बनाने के लिए रख देती हूँ, ये मैं गैस चालू कर देती हूँ, ये कुकर रखती हूँ। अब मैं सारी धुली हुई दालों को इस कुकर में डाल देती हूँ, सारी दाल डाल दी है मैंने, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, अब ये पानी डाल देती हूँ, जितनी दाल है ये उससे 1 इंच फालतू में पानी डाल दूंगी, ये मैंने 1 इंच फालतू पानी डाल दिया है। अब इसको मैं उबाल लेती हूँ दाल को, तो इसको थोड़ा गर्म होने देती हूँ, तो इसमें मैं हल्दी और नमक और डाल दी, ये
ये मैं उबाल रही हूँ दाल को, तो इसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी बचा लेती हूँ, तड़के में काम आएगी थोड़ी सी। ये मैंने हल्दी डाल दी और नमक और डाल देती हूँ इसमें। फ्रेंड्स हल्दी भी डाल दी, अब नमक डाल देती हूँ और अब मैं इसमें सीटी लगा देती हूँ, और एक सीटी लगाती हूँ इसमें बस, और एक सीटी लगाने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स मैं अब इसमें और एक सीटी लगाने के बाद खोल के देखूंगी इसको, एक से एक सीटी में पक जाएगी क्योंकि मैंने उसको भिगा हुआ है, तो मैं एक सीटी को लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स जब तक मेरी दाल में सीटी लगती है तब तक मैं तड़का बना के तैयार रखती हूँ। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें मैं 50 से 60 ग्राम तेल, 50 ग्राम ही घी डाला है मैंने देसी घी में, मैं तड़का तैयार कर रही हूँ तो मैंने ये देसी घी डाल दिया है। अब इस देसी को गर्म तो होने देते हैं। फ्रेंड्स अब मेरा देसी घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। अब ये जो मेरी कटी हुई हरी मिर्च है दो, इनको डाल देती हूँ। और मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी मैं, ज्यादा तेज नहीं रखूंगी, मीडियम पे ही इनको सब मसालों को पकाऊंगी मैं। अब ये जो मैंने हल्दी बचाई थी ये हल्दी भी डाल देती हूँ। धनिया पाउडर, मिर्ची, और ये टमाटर। अब फ्रेंड्स इनको मैं टमाटर को सॉफ्ट होने तक बिल्कुल धीमी गैस से पकाऊंगी, तब तक जो मेरे ये मसाले हैं खड़े मसाले इनको मैं थोड़ा बारीक, ये इलायची छील के और ये खड़े मसालों को थोड़ा बारीक कूट लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसमें एक पिंच हींग डाल देती हूँ, ये हींग भी डाल दी मैंने, और जो मेरे खड़े मसाले थे उनसे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, वो मैंने इस तरह से दरदरे कूट लिए हैं, उनको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिए, अब मैं इन टमाटरों को बिल्कुल ही सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी और फिर इसमें मैं दाल डालूंगी, तो मैं इनको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पका लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी ये मेरा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इधर मेरी ये एक सीटी लग के ये कुकर की गैस भी पूरी निकल चुकी है, मैं इसे खोल दी। ये मेरी दाल भी बिल्कुल पक चुकी है, एकदम फाइन पक चुकी है, अब मैं इसको दाल को तड़के में डाल देती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ तड़के में। ये मेरी बहुत ही अच्छी दाल बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 2 मिनट और पका लेती हूँ इस दाल को तड़के के साथ। फ्रेंड्स अब ये मेरी दाल बिल्कुल पक चुकी है, अब मैं इसमें हरा धनिया भी डाल देती हूँ। ये हरा धनिया डाल दिया, एकदम बिल्कुल पक चुकी है फर्स्ट क्लास, और गैस बंद कर देती हूँ और बाटी, नमकीन बाटी और चूरमा की बाटी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स गैस बंद कर देती हूँ और ये मेरी दाल बिल्कुल तैयार है, ये गैस बंद कर दी मैंने, अब दाल बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स अब मैं तंदूर को गर्म कर लेती हूँ, ये मैंने गैस चला दी, जितनी देर में तंदूर गर्म होता है उतनी देर में बाटियों को तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, ये नमकीन बाटी का आटा है और ये चूरमा की बाटी का आटा है, तो मैं नमकीन बाटी का आटे को उठा देती हूँ, पहले चूरमा की बाटी बना लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा मसल लेती हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं इसको, ये मैंने मसल लिया थोड़ा सा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है,
बिल्कुल चिकना हो गया है, अब मैं छोटी छोटी बाटी बनाऊंगी। इस तरह से मैं बाटी बनाऊंगी और इन बाटियों को अच्छे से सेक के इनका मैं चूरमा बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं बाटी सारी बना लूंगी। फ्रेंड्स, अब मेरा तंदूर गर्म हो चुका है, अब मैं इनको बाटियों को जमा देती हूँ। और इसका मैं ढक्कन बंद कर मैं इनको सिकने देती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये मैं बाटी, मेरी बाटी ये मैंने इनको खूब पलट पलट के खूब सेका है, बिल्कुल एकदम लाल कर लिया है। देखो फ्रेंड्स कितनी लाल हो चुकी है और ये मेरी पूरी तरह से पक चुकी है बाटी, सारी बाटी एकदम लाल हो चुकी है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये मेरी बाटी बहुत ही बढ़िया सिकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं रही है और इतना पलटा है मैंने इनको, हर 4 मिनट में पलट पलट के और अच्छे से सेका है, बहुत अच्छे से सेका है और ये मेरी लाल सुरख हो चुकी है, बिल्कुल एकदम लाल हो गई है और इनको मैंने अब निकाल लिया है। अब मैं इनको मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये मेरी चूरमा की बाटी तैयार हो चुकी है। अब मैं नमकीन बाटी इसमें जमा देती हूँ, नमकीन बाटी मैं इसमें जमा देती हूँ। मैंने चूरमा की बाटी को निकाल ली है, अब ये मेरी नमकीन बाटी मैं इसमें जमा देती हूँ। अब ये जितनी देर में ये नमकीन बाटी सिकेंगी मेरी, उतनी देर में मैं वो चूरमा की बाटियों को मिक्सर में पीस लेती हूँ। इन बाटियों को मैं वो मिक्सर में सारी को पीस लेती हूँ। अच्छा, बाटियों को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सर में। फ्रेंड्स, मेरी चूरमा की बाटी पीस चुकी है और मैं अब इसमें डाल लेती हूँ ये बाटी। ये मेरा बहुत अच्छा पिसा है, एकदम फाइन पिस गया है। अगर इसमें मोटा होता तो मैं इसको छान लेती, लेकिन ये मोटा नहीं है, एकदम बढ़िया पिसा है, तो मैं इसको नहीं छानूंगी और इसी तरह से इसको यूज करूंगी। अब मैं सारी बाटियों को इसी तरह से पीस लेती हूँ। बहुत अच्छा पिसा है, सारी बाटी चूरमा की इसी तरह से मैं पीस लेती हूँ। और ये मेरा मावा है, इसको मैं पैन में गर्म कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने गैस चला लिया, ये पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मावा डाल देती हूँ और इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। अब ये हमारा मावा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और भुन भी गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये कटे हुए बादाम, ये थोड़े से मैं रख लूंगी, ये कटे हुए बादाम डाल दिए। अब इसको और 1 मिनट भूनूंगी और ये मैं इसी में डालूंगी इलायची, इलायची का पाउडर भी मैंने इसी में डाल दिया और इसको भी मैं भूनूंगी, अच्छे से चला के भूनूंगी इसको, जिससे ये दोनों चीज भुन जाए सही से। और मैंने गैस का फ्लेम तेज रखा है ताकि ये जल्दी से भुन जाए। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी, 20 से 25 मेरी किशमिश थी, इनको भी मैंने डाल दिया। अच्छे से बढ़िया से भून लिया मैंने अब इसको, और अब ये मेरा पूरी तरह से भुन चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और जो मैंने बाटी चूरमा के लिए पीसी है उसमें इस मावे को मिला देती हूँ, मिलाते हुए दिखाऊंगी अभी आपको। ये मैं गैस बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये सारी बाटी मिक्सी में पीस ली है इस तरह से, इसके ये इस तरह से बन गया, बहुत अच्छी सी बनी है, एकदम भूरा भूरा रंग बना, अच्छी बाटी सीखी हुई थी इसलिए। अब मैं इसमें ये जो मेरा मावा का पेस्ट तैयार किया था इसको डाल दूंगी, ये बिल्कुल गरम गरम है, गरम गरम ही डालूंगी जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया और अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, जिससे इतना घी डालूंगी कि ये लड्डू बन जाए, वैसे तो अब भी बन जाएंगे लेकिन घी, अभी मैं थोड़ा घी और डाल देती हूँ इसमें। ये घी भी डाल दिया, अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने अच्छे से मिला लिया है, अभी मैं इसमें, ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें भूरा भी मिला लेती हूँ। भूरा ये मेरा, पहले मैंने 300 ग्राम दिखाया था लेकिन मुझे कम लगा इस हिसाब से, तो मैंने जितना आटा लिया 400 ग्राम आटा लिया और 400 ग्राम ही मैंने भूरा कर लिया।
आटा और बूरा बराबर कर लिए मैंने। तो 400 ग्राम ही मीठा डाला है मैंने और 400 ग्राम ही मेरा आटा था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स अब मेरा बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, ज्यादा बड़े ना छोटे, मीडियम साइज के मैं लड्डू बनाऊंगी। इस तरह से फ्रेंड्स देखो मेरा इतना अच्छा लड्डू बना है। ये लड्डू में इसी तरह से मैं सारे के लड्डू बनाऊंगी। फ्रेंड्स अब मेरी मैं नमकीन बाटी देख लेती हूँ। इनको भी मैंने हर चार चार मिनट पे पलट पलट के देखा था। ये मेरी बाटी बिल्कुल कंप्लीट सिक चुकी है, एकदम लाल हो गई है। अब मैं इनको भी ये घी में निकाल लेती हूँ। इस तरह से घी में डिप कर करके इसको, ये मेरी बिल्कुल सिक चुकी है, ये मैं निकाल लेती हूँ और डाल देती हूँ। ये डाल दी मैंने इसमें इस तरह से। फ्रेंड्स अब मैंने इसको अच्छी तरह से डिप कर लिया, देखो पूरी तरह से घी में डिप डूबी हुई है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक एक करके। ये मैं निकाल ली ऐसे ही। बहुत अच्छी बाटी सीखी है, एकदम खिल गई है बाटी और बिल्कुल एकदम लाल बाटी सीखी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाटी सीखी है। अब मैं दूसरी बाटी इसमें डिप कर देती हूँ। फ्रेंड्स मेरी बाटी भी तैयार हो चुकी है बिल्कुल बनके, एकदम फर्स्ट क्लास बाटी बनी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम लाल सिकी है, एकदम फटी हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बाटी सिकी है। ये मेरे चूरमा के लड्डू बिल्कुल तैयार है, जो मैंने बादाम से सजा दिए हैं, इस तरह से गार्निश कर दिया है बादाम से। और ये मेरी दाल भी तैयार है। अब मेरी दाल बाटी चूरमा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है ये सर्व करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स दोबारा नई रेसिपी लेकर जल्दी हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।